अब मुझे अगर इसको सॉर्ट करना है वर्ड के अंदर डेटा सॉर्ट, सॉर्ट मतलब कि अल्फाबेटिक, ए वाला पहले आया, फिर बी वाला आया, फिर सी वाला आया, फिर डी वाला आया, इस तरह का अल्फाबेटिक सॉर्ट करना है, तो आपके यहाँ पे इस तरह का शॉर्ट का ऑप्शन होता है। तो शॉर्ट इस पर क्लिक करेंगे ए टू जेड। अब इसमें क्या करना है, असेंडिंग करना है या डिसेंडिंग करना है, मतलब ए से बी, ए से जेड या जेड से। ओके कर दीजिए। ओके करते ही देखिए यहाँ पे अजीत, देव, इंदर, इंदु आ गया। हाँ, एक लिस्ट पे काम करता है, पैराग्राफ पे नहीं, एक लिस्ट पे काम करता है। समझ गए। अब मान लीजिए आपने कोई लिस्ट बनाया है और आपको उसका नंबरिंग सिस्टम करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये नंबर इस तरह का बुलेट्स में आ जाएगा, क्योंकि बुक बगल में होता है। बुलेट्स के अलावा यहाँ और भी चीजें हैं, जैसे कि आप इस तरह का बुलेट्स लगाना चाहते हो, या इस तरह का बुलेट, या इस तरह का ये ले सकते हो। देखिए आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक ACTI करके अपना खुद का बुलेट और इस तरह खुद का बुलेट। सर मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ बट वो हो नहीं रहा है। एक मिनट, अब कीजिए, हो जाएगा। ओके, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। यस सर। तो यहाँ पे आप यहाँ पे इस तरह के बुलेट्स आप क्लिक करके ला सकते हो। इस पे ए बुलेट होगी, ए वाली बुलेट। तो कुछ बुलेट्स तो इनबिल्ट है, लेकिन कुछ जैसे ये दोनों बुलेट कस्टम है। कैसे आया? हाँ। तो यहाँ दिख रहा है डिफाइन न्यू बुलेट्स, दिख रहा है? यस यस। क्लिक कीजिए और यहाँ पे सैम्पल है और पिक्चर। तो सैम्पल पे क्लिक करेंगे तो आपका सैम्पल्स आ जाएंगे, सैम्पल का लिस्ट आ जाएगा। आ गया लिस्ट? ओके, यस। और यहाँ पे पिक्चर्स, पिक्चर मतलब कि आपके पास अगर कोई गूगल पे या इंटरनेट से लेना चाहते हो या पीसी से लेना चाहते हो तो यहाँ से पिक्चर ले सकते हो। ओके, ठीक है ना। जैसे मैंने सर्च किया, सर्च किया और यहाँ पे दिया राइट मार्क। आ गया सर? जी। तो मान लीजिए मुझे राइट राइट मार्क में ए वाला देना है। सिलेक्ट किया, इंसर्ट, डाउनलोड हुआ, ये आ गया एंड ओके। ठीक है, ओके। अब सैम्पल में देखेंगे तो यहाँ पे ए मार्क भी आ गया। आ गया? हाँ। इस तरह का बुलेट ले सकते हैं। लेकिन कई बार हमें नंबर सिस्टम चाहिए होते हैं, 1, 2, 3। तो 1, 2, 3 के लिए इस पे क्लिक करें और इसी के बगल में आपके सामने 1, 2, 3 है। 1, 2, 3 ए 1 ब्रैकेट के साथ, ए रोमन नंबर, ए बी सी डी, छोटा, कैपिटल, बड़ा, 1, 2, 3। ठीक है, यस सर। इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का बन जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे पास लिस्ट ऑफ लिस्ट होता है। अच्छा, मान लीजिए मुझे अपना कोर्स लिस्ट बनाना है, ठीक है? ओके, कोर्स लिस्ट, LIST, कोर्स लिस्ट कर दिया। तो कोर्स लिस्ट में मेरे पास है MIS। अब MIS है, उसके बाद मेरे पास है यहाँ पे डैशबोर्ड। अब मेरे पास MIS के तीन पार्ट, तो मैं सबसे पहले इन दोनों को सेलेक्ट करके मैं यहाँ इसके बगल में, दिख रहा है ना यहाँ पे, मैं ए वाला ए वाला पॉइंट जो है इसको दे देता हूँ। दिख रहा है आपको? इसको चूज कर। तो 1 MIS आ गया। अब मैं यहाँ पे टैप किया तो यहाँ पे एंटर प्रेस किया तो नीचे आ गया या 2 आ गया, बट मुझे तो MIS का ही पार्ट ऐड करना है, तो अलग तो गलत हो जाएगी ना सर। तो आप टैप को प्रेस करेंगे तो ए आ जाएगा। आगे किसको प्रेस करेंगे? टैप टैप टैप। ओके ओके। अब मैं MIS में, मेरे पास एक्सेल है, एंटर प्रेस किया, मेरे पास PDA है, मेरे पास एक्सेस है, मेरे पास SQL है, राइट? सेम यहाँ पे डैशबोर्ड पे प्रेस किया, 3 नंबर आया। टैप प्रेस किया तो डैशबोर्ड के पार्ट आ गया। तो यहाँ पे पावर BI है, टैबलू है, ठीक है, Yes. और एक्सेल डैशबोर्ड। अब एक्सेल के भी दो पार्ट। अब इस पे टैग केस करते हैं तो एक्सेल में हमारा आता है एक्सपोर्ट लेवल,
और दूसरा आता है फास्ट ट्रैक। फास्ट ट्रैक तो इस तरह से आप इसके दे सकते हैं। सेम वीवीए में भी ये दो आता है, तो एंटर प्रेस करने पे सी आएगा, बट टैब टैब प्रेस करेंगे तो इस बगल में आ जाए। या ठीक है जी सर। अपना पार्ट लेवल इस तरह से फास्ट है, लेकिन याद रखिएगा पर प्रॉब्लम क्या होती है कि ये तो ठीक है बना हुआ है, लेकिन कहीं से लिस्ट जब कॉपी करके ला रहे हैं ना या ऑलरेडी ए है, जैसे कि पूजा सिटी हमारा दिल्ली है, पुणे है, पुणे। अब यहां देख पा रहे हैं सर कि नेम है फिर सिटी है, नेम है फिर सिटी है। हाँ अब इस चीज को मैं ले आता हूं वर्ड पे कॉपी कर, यहां पे डबल क्लिक किया और यहां पे मैंने पेस्ट स्पेशल, यहां पे फॉर अनफॉर्मेटेड यूनिकॉर्न टेक्स्ट करके ओके कर दिया। ओके लिस्ट में काफी गैप है तो गैप को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे ना आप। यस अब इसमें क्या है कि पूजा, इसको पूजा, पूजा के अंदर में दो सिटी है, फिर मोहन उसके अंदर में दो सिटी है, इस तरह से। अब इसको अगर सेलेक्ट करके अगर मान लीजिए यहाँ पे ये वाला नहीं सर, राइट वाला, हाँ ए वाला लिया मैंने और यहाँ पे क्लिक कर दिया, बट ये तो 1 2 3 आ गया ना सिर्फ। या तो आपको क्या करना है, पूजा पे क्लिक करना है और टैप प्रेस करना, ठीक है सर, इस तरह से, तब जाके आपका लिस्ट बनेगा। मैनुअल करना पड़ेगा इसका, तो ऑटोमेशन नहीं। अच्छा ठीक है, यस सर, समझ गया जी, तब जाके इस तरह का लिस्ट बनेगा। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? नो। तो इस तरह के लिस्ट बनाते हैं। अब बात आती है प्रोजेक्ट की, क्योंकि हम 3 क्लास कंटिन्यू ले लिए हैं, आपकी कोई प्रोजेक्ट हुई नहीं है, तब बात करते हैं प्रोजेक्ट। ओके। जैसे एक मिनट दीजिएगा, आपके लिए एक प्रोजेक्ट ढूंढना हो जो आप कर पाए। अच्छा यहाँ पे देखिए, मैंने माइक्रोसॉफ्ट के साइट पे एमएस वर्ड सर्च किया था तो मुझे ये रिजल्ट मिला, ठीक है।
अब इस रिजल्ट में आप यस देख पा यस रहे हैं कि एक छोटा सा आर्टिकल बना है, दिख रहा है? यस अब आपको जो है ना ऐसा ही एक आर्टिकल क्रिएट करना है वर्ड के ऊपर, या फिर आप एक साइट यहां भी है इस पे गेटिंग स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आपका ये दिख रहा है। इसमें कुछ खास यस नहीं है जो आप यूज कर सके, ये तो सारा पिक्चर से सारे का सारे, तो इसको छोड़ देते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इसमें आपको टाइप नहीं करना है, आप इमेजेस को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए कॉपी करने के बाद इमेज को पूरा डेटा इसी तरह से दिखना चाहिए जिस तरह से यहाँ दिख रहा है। तो दिख आप रहा है। एक एक कॉपी पेस्ट कीजिएगा और पेस्ट स्पेशल में नॉन फॉर्मेटिक टेस्ट कीजिएगा ताकि जो चीजें हैं अपने हिसाब से अरेंज कर सके। अगर सिंपल सिंपल कॉपी पेस्ट कर देंगे तो क्या होगा, जैसा वैसा आ जाएगा और आपको सिंपल करने का मौका नहीं मिलेगा और इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो आ जाएगी, आप अपने हिसाब से भी फॉर्मेटिंग नहीं कर पाए। तो व्हाट्सअप किया है मैंने आपको, उसको कीजिए और कल जो है हम बात करेंगे आगे की चीजों पे। कल हम होम मेनू बार खत्म कर देंगे। तो तो सर सर कल कल क्लास क्लास होगी, होगी? क्योंकि कल तो सैटरडे है। जी हाँ कल नहीं, कल ले लूंगा, 2 दिन गैप हुआ है तो कल ले लूंगा सर। थोड़ा अच्छा, सा लेट ले ओके सकता सर। हूँ, मैंने कि 5 बजे की जगह पे मैं 7 बजे या लेट ले सकता हूँ, लेकिन ले लूंगा। सर जैसा सर होगा जैसा आप होगा मुझे आप मुझे टेक्स्ट कर टेक्स्ट कर दिएगा, दिएगा। जी ठीक जी है? जी 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 ओके ठीक है। सर, थैंक यू। थैंक यू।